आज सुबह 8:30 बजे का एनालिसिस में हमारा एक लो प्रेशर व लघुचाप साउथ अंडमान सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में फॉर्मेशन हुआ है। इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और कल इवनिंग 7th इवनिंग तक डिप्रेशन व अवपात में रूप लेने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म 8th इवनिंग में साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेने का चांसेस है। इस समय इसका लोकेशन ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में रहेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म का। फिर फर्दर मूवमेंट इसका नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा और 10th में हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑफ मीन्स हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा नॉर्थ आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट से दूर में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में सी एरिया में ही रहेगा 10 तारीख तक। अभी इतना तक ही फोरकास्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। और इसका रिगार्डिंग अभी जो वार्निंग है मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा एडवाइजरी वार्निंग है वो फिशरमैन के लिए, फिशरमैन को 9th एंड 10th हमारा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल इसमें 10th में और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल इस सेंट्रल बेली हमारा 9th में जाने के लिए मना किया है। मीन्स डीप सी एरिया में 9th से जाना मना है। तो 10th तक सभी फिशरमैन को कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। विद इन 10th सभी फिशरमैन को हमारा कोस्ट में वापस आने के लिए एडवाइस है। और इसका प्रभाव में हमारा रेनफॉल एक्टिविटी कोस्टल उड़ीसा में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में 10th में होने का चांसेस है। और हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा का 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग अभी वार्निंग दिया है। ये है गंजाम, पुरी, खुर्दा एंड जगत सिंहपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल 10 तारीख में होने का चांसेस है। अभी यही है सिस्टम रिगार्डिंग। फिर हम लोग कल इसका बुलेटिन दोपहर टाइम में इशू करेंगे। सर, विंड का स्पीड कितना रहेगा? विंड का जो स्पीड अभी हमारा इसका सी एरिया के लिए है। सी कंडीशन अब हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जो अभी दिया है ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 10 तारीख में 70 to 80 गास्टिंग to 90 ये हाईएस्ट दिया गया है विंड स्पीड सी एरिया में।